गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल कंचल गुट के महानगर अध्यक्ष अनिल टिबड़ेवाल का गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में मंगलवार को शाम 7:30 बजे निधन हो गया है। यह जानकारी देते हुए उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार टेकड़ीवाल ने बताया कि कोरोना से लगभग 4 माह से संघर्ष करते हुए पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशन के कारण उनका दुखद निधन हो गया है। व्यापारी नेता व समाज सेवी स्वर्गीय अनिल टिबड़ेवाल के निधन से पूरा समाज व्यापारी बंधुओं में शोक व्याप्त हो गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष से बात करते हुए उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार टेकड़ीवाल ने कहा, मैं प्रमोद कुमार टेकड़ीवाल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अनिल टिबड़ेवाल जी को अप्रैल में कोरोना हुआ था, तो कुछ दिनों तक घर पे इलाज हुआ, उसके बाद पेनेशिया हॉस्पिटल लोकल यहाँ इलाज हुआ, फिर यहाँ पे स्थिति इनकी बिगड़ रही थी, तो 6 मई को इन्हें एयर एम्बुलेंस से मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में इनका एडमिशन हुआ और इनकी पोजिशन काफी ठीक हो गई थी। बहुत लंबे इलाज के बाद इनको इस बीच जो है ब्लैक फंगस भी हो गया था, वाइट फंगस भी हो गया था, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद जो है इनको जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो तो ठीक हो गया था, किडनी इनकी गड़बड़ हो गई थी और ये डायलिसिस इनकी चल रही थी, तो आज भी डायलिसिस के लिए ये गए थे और कल इनको ये था कि डिस्चार्ज होकर के गोरखपुर आ जाएंगे। सारी तैयारी थी, गोरखपुर से गाड़ी भी गई थी, एम्बुलेंस भी तैयार हो गया था, उससे इन्हें आना था, लेकिन डायलिसिस के बीच में या डायलिसिस के पहले जो है कुछ प्रॉब्लम आई, इनको हार्ट अटैक हुआ और आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, फिर वहां से हार्ट बीट बंद हो गई, तो डॉक्टरों ने काफी सीने पे मालिश वगैरह की, उसके बाद इनको वेंटिलेटर पे डाला, उसके थोड़ी देर बाद इनका निधन हो गया। ये महानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, इसके अलावा काफी लोगों में लोकप्रिय थे, व्यवहार कुशल थे और इनके निधन से हम सारे लोग बहुत दुखी हैं कि 4 महीने के संघर्ष के बाद ठीक होकर के फिर जो है इनका निधन।